और रिफात बुलंदी से सरफराज फरमाया और सबके दिलों के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम के तंग महबत डाल दी और बादशाह ने उनसे गुफ्तगू करते हुए फरमाया इन नकलियोमा लदई अमीन आज से आप हमारे यहां सुल्तान हैं जिम्मेदार हैं उमूर की तदबीर पर कादिर हैं और अमानतदार हैं हजरत यूसुलेसलाम को जब अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम और मरतबा अता किया और तमाम औरतों को बादशाह की जुबानी अल्लाह रब्बुल रब्बालमीन ने फटकार लगवाई उनके शौहरों को डांटा और झड़पा गया खास तौर पर आजीज मिस्र रैयान इब्ने वलीद और उसकी बीवी राइल यानी जुलैा को जबरदस्त फटकार लगाई क्योंकि अजीज मिस्र यूसुफ अलैहिस्सलाम की मासूमियत से वाकिफ था उनकी बेगुनाही से वाकिफ था कि वो बेकसूर हैं लेकिन फिर भी उसने अपनी इज्जत और अपनी बीवी की इज्जत को बचाने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिंदा में कैद खाने में बंद करवा दिया गोया किए मामला बिल्कुल क्लियर हो गया सारे मामला ठीक ठाक हो गए बादशाह ने इतफीर और कित्फीर भी नाम कहा गया है अजीज मिस्र को माजूल कर दिया और अब उसकी जगह पर हजरत अलैहिस्सलाम को बिठा दिया हजरत अलैहिस्सलाम ने बादशाह से कहा अला आप मुझे जमीनों की जो खजाने है जमीन के अंदर जो गल्ले के स्टॉक की जगह है गल्ले को जखीरे करने की जगह है उसकी जिम्मेदारी दे दीजिए यानी मीषत की जिम्मेदारी आप मुझे सौंप दीजिए कि किस तरह मुझे पब्लिक के दरमियान गले को तकसीम करना है चूंकि हजरत यूसुफलातलाम खुद को पाते थे कि वो माशी जिंदगी को कैसे संवार सकते हैं मीषत को रिज और रोजी के अस्बाब को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं जिसका तस्करा उन्होंने बादशाह के सामने किया का मुझे भी है इस ताल्लुक से यानी माहिर भी हूं और इन इस गले की सही तौर से हिफाजत भी करूंगा फरमाता है फिल और हमने यूसुफ अल्लाम को जमीन में कुदरत अदा की ताकत अता की यानी उनको हमने वजीर बनाया ये तबाह हुआ शाह जहां चाहते वो उसमें ठहरते क्याम करते नसीब राम और हम अपनी रहमत जिसे चाहते हैं अता करते हैं वाली المحسنين और हम एहसान नेकी और भलाई खैर और अच्छाई करने वालों के अजर सवाब को जाए नहीं करते वजर خير للذين आमनु وكانوا يتقون और आखिरत का अजर सवाब बेहतर है ईमान वालों के लिए और तकवा इख्तियार करने वालों के लिए मालूम क्या हुआ कि अगर कोई शख्स खुद को इस काबिल पाता है कि वो किसी जिम्मेदारी को अपनाने के बाद उसको सही तौर पर निभा सकता है तो उसके लिए जायज है कि वो अपने से बड़े शख्स से उसको तलब कर ले लेकिन शर्त यह है कि वो उसमें महारत रखता हो और खुद को उस लायक समझता हो लेकिन अगर उहदे के लायक नहीं है काबिलियत नहीं है जिम्मेदारी को संभाल नहीं सकता बस अपना नाम उठाने के लिए खुद को लोगों के सामने दिखाने के लिए अगर वो जिम्मेदारी तलब करता है तो ऐसा करना उसके लिए वाले जान हो सकता है इमारत अगर आपको हुकूमत अगर आपको जिम्मेदारी अगर आपको बगैर मांगे मिल रही है तो अल्लाह की तरफ से उस पर आपकी मदद की जाएगी लेकिन अगर आपने खुद तलब किया है मांगा है और आप उसके अहल भी नहीं हैं तो याद रहे आपको उसके सुपुर्द कर दिया जाएगा आप खुद को अकेला पाएंगे और जिम्मेदारी को सही तौर पे निभा नहीं सकते फिर नतीजा यह होगा कि आप खुद भी डूबेंगे और दूसरों को भी ले डूबेंगे अल्लाह आलमीन ने यूसुफ सलाम को जो मकाम और मर्तबा, रिफत और बुलंदी अता की उसमें खास तौर पर दो चीजें पाई जाती हैं एक है ईमान और दूसरा है तकवा ईमान की बशाशत जिस दिल में सरायत कर जाए दाखिल हो जाए सब तो हो जाए तो वो निकलती नहीं है और ईमान के अजा में से हिस्सों में से एक हिस्सा सब्र है दूसरा हिस्सा शुक्र भी है और ये हिस्से हजरत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जिंदगी में खास तौर पर मौजूद है दूसरी चीज तकवा यूसुफलात सलाम ने किस तरह औरत के फितने से बुरे काम से हराम काम के इरतकब से खुद को बचाया अपनी नफसानी ख्वाहिश पर कंट्रोल किया और अल्लाह रबालमीन का तकवा इख्तियार करते हुए अल्लाह का डर इख्तियार करते हुए खुद को जिंदान में डलवाना तो गवारा कर लिया लेकिन उस काम की रजालत से खुद को महफूज किया ये बहुत बड़ी शान वाले लोगों का काम है जनाब हजरत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उम्र क्या है इस वक्त जिस वक्त उनको अजीज मिस्र बनाया गया बाज कहते हैं कि उस वक्त उनकी उम्र तीस बरस की थी कुछ ने इससे ज्यादा भी बयान की है लेकिन आप इसको यूं समझ सकते हैं कि जब कुएं में डाला गया था यूसुफलात साम को तो उस वक्त उनकी उम्र दस बरस की थी महल में पहुंचे तो दस ही बरस की थी और जब जुलैखा और जो औरतों के जाल में जो फंसाने की कोशिश की गई थी हजरत यूसुफलात सलाम को तो उस वक्त उनकी उम्र शबाब पर थी यानी बीस बरस की थी और तकरीबन नौ साल तक जिंदा में कैद में रहे तो तकरीबन उन्तीस या तीस बरस की उम्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उस वक्त होती है जिस वक्त वो अजीज मिस्र बने अभी शादी नहीं हुई थी हजरत यूसुफ सलात हजरत अलैहिस्सलाम की शादी के ताल्लुक से बाज लोग कहते हैं कि जुलैखा से शादी कराई गई लेकिन ये कौल मुनासिब नहीं लगता है क्योंकि ऐसी औरत जो फहश बेहयाई की तरफ आमादा करने वाली हो और हवा परस्त हो यह मुमकिन नहीं है कि, कि किसी नबी और रसूल के अकद में निकाह में हो अल्लाह आलम हर नबियों और रसूलों की बीवियां दीन के मामले में उनकी खयानत कर सकती हैं जैसे कि लूत अलसलातलम और नूह असलातलाम की बीवियों का तस्करा किया गया कि उन दोनों ने हजरत लूत और हजरत नूह अलहसलाम की खयानत की दीन के मामले में यानी वो काफिरा थी मुशरिका थी लेकिन इस बारे में अहल इलम कहते हैं कि किसी नबी और रसूल की बीवी बदकार नहीं हो सकती है बेहया नहीं हो सकती है तो इस एतवार से मैं कहूंगा वल्लाहु आलम कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से यह कहा जाए कि जुलैा की शादी उनसे हुई तो यह कौल और मुनासिब नहीं लगता है दूसरा कौल यह है कि बादशाह ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की शादी किसी बड़े घराने में किसी इफ़तो, पाक दामनी की मलका और खूबसूरत हसिनो और जमील औरत से करवाई आलम। खैर वो एक अलग मसला है और उसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है अल्लाह आलमीन ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया कि जुलेखा ने कहा कि मेरा शौहर इस बात को जान ले कि मैंने पीठ पीछे बदकारी नहीं की है अपने शोहर के मैंने उसकी खयानत नहीं की है हाँ मेरे नफ्स ने मुझे वर्गलाया मैंने आमादा किया था बुराई पर लेकिन मैंने यह काम किया नहीं है इरादा किया था लेकिन किया नहीं है फेल का इर्तिकाब नहीं किया है बाज इल्म कहते हैं से मुरात वालिका लिया ये है कि हजरत यूसुफ असलातम का कलाम है ये कि उन्होंने कहा ये बात मेरा मालिक अजीज मिस्र जान ले कि मैंने पीठ पीछे उसकी खयानत नहीं की है फिर अल्लाह रब्बुल रब्बुलमीन ने आगे फरमायामा उबर्र न नफ्सी नबसला रबी गफूर रहीम कि मैं अपने नफ्स को बरी नहीं कर सकता अगर हम ये मान लें कि ये कौल यूसुफ असलातम का है और अगर हम ये माने कि यह कौल जुलै का है कि मैं अपने नफ्स को बरी नहीं करार देती हूं क्यों इन नब्सल अम्मातुम बस्सू क्योंकि नफ्स तो बुराई की तरफ आमादा करता है इंसान को इन रब्बी गफूर रहीम मगर वो वोशक जिस पर अल्लाह रहम फरमाए अल्लाह रब्बुल रबालमीन उसको बुराई से रोक देता है अलग कर देता है बेशक मेरा रब बख्शने वाला रहम करने वाला है खैर ये सारा मामला खत्म हुआ तीनों खाफ देखे जा चुके अब तीसरे ख्वाब की जो ताबीर की थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिसको बादशाह ने देखा था अब वो वाक हो रहा है कैसे हो रहा है उसको भी सुनते चलते हैं पहला ख्वाब वाक हुआ अभी ताबीर उसकी वाकई नहीं हुई है ख्वाब देख लिया गया है लेकिन ताबीर बाकी है पहले ख्वाब की जो बचपन में हजरत अलैहिस्सलाम ने देखा था कि मैं देख रहा हूं वाले साहब अब्बा जान के मुझे ग्यारह सितारे सूरज और चांद सजदा कर रहे हैं खाब तो सामने आ गया था खाब देख लिया गया था, लेकिन उसकी ताबीर हकीकत में अभी तक वाके नहीं हुई थी, जो बाद में वाकई होगी दूसरा खाब जो दो जवानों ने कैद खाने में देखा उसकी ताबीर भी बयान कर दी गई खाब भी देखा गया ताबीर भी बयान की गई और उसकी हकीकत भी सामने आ चुकी थी तीसरा खाब जो देखा था बादशाह ने उसकी तकबीर तो बयान कर दी गई लेकिन अब हकीकत बयान की जा रही है यूसुफ सलातम जिम्मेदार हैं मीशत का जो निज़ाम है जो सिस्टम है हजरत यूसुफ यूसुफलातलाम उसे चला रहे हैं और यूसुफ यूसुफलातलाम ने सबसे पहले यह किया कि मिस्र की जमीन जो थी उसको अलग अलग टुकड़ों में तकसीम करते हुए मिस्र की पब्लिक में बांट दिया तकसीम कर दिया और कहा कि जो भी खेती हो साल में उसमें से आधा हिस्सा हमारा रहेगा यानी हुकूमत का और आधा हिस्सा आपने जो मेहनत की है जुताई की है खेत की बीज बोया है कटाई की है उस मेहनत का हिस्सा आधा हिस्सा आप ले लेंगे और आधा हिस्सा हमें दे दीजिएगा चुनानचे यूसुफ असलात सलाम ने बहुत जबरदस्त होशियारी के साथ चूंकि अल्लाह आलमीन की तरफ से उनको, उनको इलमता किया गया था इस जिम्मेदारी को संभाला उसके बाद हजरत यूसुफ सलाम ने जगह जगह मिस्र के अंदर बड़े बड़े गोदाम बनवाए ताकि यह खेती जो कट करके आए उसको बालियों समेत उसके दानों को बालियों ही में रख करके गोदामों में भर दिया जाए क्योंकि अल्लाह रब्लिन ने उनको यह सिखाया था तावील रूया का ख्वाब की ताबीर का कि ऐसा होकर के रहेगा अल्लाह ने नेता किया था उनको और वो उसी के मुताबिक अमल कर रहे थे चल रहे थे गोदाम भी बन गए सात साल लगातार खेती हुई लोगों ने खेती की कटाई की और दानों को उनकी बालियों में छोड़ करके आधा अपने पास आधा हुकूमत को दे दिया और हुकूमत ने उनमें से कुछ जो पब्लिक का हिस्सा था उसको अपने पैसों से खरीदा जिसकी पब्लिक को जरूरत नहीं थी अगर जरूरत होती तो नहीं खरीदा जाता लेकिन अगर कोई शख्स बेचता तो मजीद उसको खरीदा भी जाता और उसको गोदाम में भर दिया जाता ऐसा ही हुआ जब खुशहाली के सात साल थे वो निकल गए अब असल जो सात साल कहत साली के शुरू हुए बारिश नहीं हो रही है आसमान से बादल ही नजर नहीं आ रहे हैं सिर्फ नीला नीला आसमान ही दिख रहा है जमीन बंजर हो चुकी है जमीन खुश्क हो चुकी है और उससे कहीं पर भी पानी निकलता नजर नहीं आ रहा है सब परेशान है खेती नहीं हो रही है चूंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले ही जिक्र कर दिया था क्या ऐसा होगा उधर अब चलिए कनान की तरफ चूंकि मिस्र शहर है सिटी है और कनान एक देहात है मिस्र से हट करके बाहर उधर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम सलाम ने अपने दस बेटों को मिस्र भेजा के वो जाएं और गल्ला खरीद करके लाएं चुनानचे ये लोग ऊटों पर या जो भी सवारियां उस वक्त चल रही हों पर सवार होकर के मिस्र पहुंचे अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है फा आरफा हम वहम लहू मुनकिसुफ अलह सलातलाम ने उनको पहचान लिया कि ये उनके भाई हैं दस वहुम लहू मुनकि और ये लोग यूसुफ असलातलाम को ना पहचान सके एक नबी की याद दहानी शूर तमीज आम आदमी से कहीं ज्यादा होती है यूसुफलातलाम को वो सब याद आ गया उनको देख करके जो 20 साल पहले उनके भाइयों ने उनके साथ जुल्म किया था लेकिन आज वक्त के बादशाह हैं अजीज मिस्र बने हुए हैं जिम्मेदार हैं चाहते तो फौरन हुक्म देते कि इन भाइयों को कैद कर दिया जाए और बता देते कि मैं यूसुफ हूं नहीं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको गल्ला दिया और उनसे क्या क्या बातें कही क्या उनकी पूंजी रकम उनसे ली गले केवज या फ्री में उनको गला दिया इस ताल्लुक से नाजरीन हम आपके सामने अगले एपिसोड में गुफतू करेंगे तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं असलकम वहमत ला वरक ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें